श्री कांशीराम साहब सहित समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की चार बार के मुख्यमंत्री रही आर्यन लेडी न्याय की देवी आदरणीय सुश्री बहन मायावती जी को आभार प्रकट करता हूं, उनका जो है धन्यवाद देता हूँ। इसलिए आदरणीय साथियों की आदरणीय बहन जी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को यहाँ 51 लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी बनाकर मेरा ही नहीं यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है। किसान लागू जरूर हुआ, लेकिन संविधान लागू के समय इस देश में हुकूमत सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने अगर भारतीय संविधान अगर अक्षरशः लागू किया होता तो निश्चित रूप से बहुजन समाज की दिशा जरूर बदली होती मित्रों। और खासकर पिछड़ों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि काका कालेलकर आयोग बना था आरक्षण के लिए, लेकिन उस काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डालकर पिछड़ों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद जनता पार्टी के समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, कांग्रेस पार्टी ने उसको भी लागू नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने में बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने 40 दिन दिल्ली में धरना दिए और उन्होंने नारा दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना सिंहासन खाली करो। तब जाकर बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो पाई। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होते ही ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग करोड़ों अरबों की संपत्ति देश की जला डाले और सबसे ज़्यादा आपके आरक्षण का विरोध यही आरएसएस बीजेपी के लोगों ने किया था। इसलिए मित्रों ये समय आ गया है भारतीय संविधान को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को अक्षरशः इस देश में लागू कराने के लिए। आगामी 25 मई को जो चुनाव होने जा रहा है इसमें आपका भाग्य बन भी सकता है, आने वाली पीढ़ी का भाग्य बिगड़ भी सकता है। आदरणीय साथियों, ये अपना और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने के लिए 25 मई बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन जी ने आपके भाई, आपके छोटा भाई बड़ा भाई, आपके बीच का कार्यकर्ता, सारे भाई लोग जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगभग मैं ज़्यादा लोगों से परिचित भी हूँ, सभी लोग यदि अपना आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा और आदरणीय बहन जी के हाथों में इस देश की कमान होगी और भारतीय संविधान भी बचेगा और भारतीय संविधान अक्षरशः इस देश में लागू होगा। निश्चित रूप से हम लोगों का भाग्य बदलेगा, आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य बनेगा, भविष्य बनेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लगा है, फिर आप लोगों से मिलेंगे, खूब बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन समय अभाव है इसलिए आप सबसे विदा लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, बहुत बहुत धन्यवाद।